Good morning, students. How are you guys? I think you will be fine and take care all of you because it's Corona time. So take care of your family, your younger brother and sister, your old grandfather and grandmothers. Everyone, you take care of all of you. Okay. So let's start your class. Okay. English. It's your first language, and as you know, your first semester is completed. So obviously, I will start your second semester. So I will start your second semester standard for English, ठीक है? So आपका second semester में, as you know, first semester is completed. The Tun Tun Town Musician. I am completed your first ये second semester का first unit. So I will start your second unit. I mean यूनिट 8 पेज नंबर 67 द ग्रेट हीरो, मतलब हमारे जो ग्रेट हीरोज़ हैं उनके बारे में. हीरो मतलब कि ये हीरो नहीं, बॉलीवुड वाले नहीं, जो हमारे रियल हीरो होते हैं, जो हमारे बॉर्डर पे हमारे लिए खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं सीमा पर, वो हीरो, ठीक है. यूनिट 8 द ग्रेट हीरो. हमने उस दिन पढ़ा था कि ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं हमको उसमें से पहचानना था कि ये सारे कौन हैं, कौन किसके किसके नाम, मतलब कौन किसका नाम दिया, कहाँ पे है, सबको ढूंढना था. तो हमने आपको बताया था कि मतलब एक्टिविटी 1 में आपका था कि ये महात्मा गांधी हैं, ये वल्लभ भाई पटेल हैं, ये भगत सिंह हैं, ये हैं जगदीश चंद्र बासु, ये हैं स्वामी विवेकानंद, ये कल्पना चावला, ये जवाहरलाल नेहरू, ये श्रीमती इंदिरा गांधी, ये सचिन तेंदुलकर. मतलब सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ है, सबका यहाँ पे है, सबकी जैसे कि कोई पीएम रह चुका है, तो कोई राष्ट्रपिता है, तो कोई साइंटिस्ट है, तो कोई हमारी भारत के बहुत बड़े सैनिक थे, काइंड ऑफ बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े वीर जवान थे. उन्होंने अपनी कम एज में अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले किया और फांसी पे चढ़ गए हंसते हंसते. फिर ये कोई लेडी, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी हमारे इंडिया की, कोई कल्प, मतलब ऐसे ऐसे सबका अलग अलग दिया गया. क्रिकेटर बना, तो ठीक है, आपने यहाँ तक उस दिन पढ़ा था और आपको मैंने पढ़ाया था यहाँ पे, तो आपको इसमें जो कुछ समझ ना आया वो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है. तो आज हम है ना नया इसमें का नया एक्टिविटी 2 स्टार्ट करते हैं, उसमें देखते हैं क्या है. फिर यहाँ पे है एक्टिविटी 2, मोहन डिड नॉट कॉपी, मतलब मोहन कॉपी नहीं करता. तो अब देखते हैं कि मोहन कौन है पहले, तो ठीक है. ऑब्वियसली मोहन इज़ अ महात्मा गांधी, बिकॉज यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज पे आपको बताया ही गया है कि मतलब जो आपको वहाँ पे पहचाना था, तो वहाँ पे जो दिए गए थे उनके ही बेस पे कोई होंगे. तो देखते हैं कि महात्मा मोहन कौन है, पहले तो हम ये देखते हैं कि मोहन कौन है. और मोहन डिड नॉट कॉपी, मोहन कभी कॉपी नहीं करता, तो हमको वो सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है. तो हम देखते हैं वॉट मेड मोहनदास गांधी इज़ महात्मा, मतलब मोहनदास गांधी को महात्मा कौन बनाता है, क्यों बनाता है, क्या बनाता है, मतलब उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो कि उनको महात्मा बनाता है. वेल ही हैड मेनी क्वालिटीज़, उनके अंदर मतलब कह रहे हैं कि ठीक है, वहाँ उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी. ही लव ट्रुथ, वो मतलब सत्य को प्यार करते थे. ही प्रैक्टिस ट्रुथ, वो मतलब सच के लिए लड़ते थे. दिस मेड हिम ग्रेट, मतलब ये सारी चीज़ें उनको महान बनाती हैं कि वो मतलब सच बोलने वाले थे, वो सच के साथ देने वाले थे, मतलब ऐसा सब, ये सारी चीज़ें उनको महान बनाती है, ठीक है. ही वॉच्ड हिज ओन एक्शंस, मतलब वो अपना खुद का एक्शन देखना पसंद करते थे. ही ऑलवेज आस्क्ड हिमसेल्फ इज माई एक्शन राइट और रॉन्ग, वो अपने आप में ही कह करते थे कि मेरा एक्शन है ना सही है या गलत है. इट इज़ गुड और बैड, ये मतलब अच्छा है कि खराब है. डिड ही डू दिस फ्रॉम चाइल्डहुड, वो मतलब बचपन से ही ऐसा करते आ रहे थे. तो यस ही डिड, हाँ वो करते थे. देखते हैं क्या करते थे. मोहन वॉज अ स्टूडेंट इन राजकोट, मतलब मोहनदास है ना वो राजकोट के एक स्टूडेंट थे. ही डिड नॉट ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन हीज क्लास, वो पहले अपनी क्लास में कभी पहले नहीं खड़े होते थे, नहीं बैठते थे, क्योंकि पता नहीं अब वो, बट ही वॉज ऑलवेज ऑनेस्ट, मतलब वो पर भी वो एक हमेशा ऑनेस्ट रहे हैं, हमेशा सच्चे रहे हैं. वंस द स्कूल हैड इट्स एनुअल इंस्पेक्शन, मतलब एक बार है ना स्कूल में एनुअल फंक्शन इंस्पेक्शन था, वहाँ पे कुछ इंस्पेक्टर्स चेक करने के लिए आए थे. मतलब वो होता है ना आपकी स्कूल में भी आते हैं ना चेक करने के लिए, देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे स्टूडेंट्स कैसे हैं पढ़ने में, सब ये सब होता है ना. तो वही द इंस्पेक्टर वेंट टू राउंड ऑल द क्लास, मतलब इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन करने आया था उसने है ना पूरी सब क्लासों में जाके राउंड लगाया, सबकी क्लास में गया और राउंड वहाँ पे लगाता है. तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है. ही ऑल्सो वेंट टू क्लास
फिफ्थ मोहन वॉज अ स्टूडेंट दैट क्लास, मतलब वो इंस्पेक्टर जो था वो इंस्पेक्शन करने के लिए फिफ्थ क्लास में भी गया, जहाँ पे कि ये महात्मा गांधी जी यानी कि मोहन जो है वहाँ पे उस क्लास का स्टूडेंट था, तो वो वहाँ पे भी गया। इट वॉज एन इंग्लिश क्लास, मतलब वो है ना इंग्लिश की क्लास थी, मतलब इंग्लिश का पीरियड था, इंग्लिश का लेक्चर था। तो अब देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। द इंस्पेक्टर गेव अ स्पेलिंग टेस्ट, मतलब इंस्पेक्टर ने है ना एक इंग्लिश स्पेलिंग टेस्ट दिया। ऑब्वियसली जिस अगर आपकी क्लास हिंदी की होती तो आपको हिंदी में कुछ देते, इंग्लिश की है तो इंग्लिश में देंगे, मैथ का होगा तो मैथ में देंगे, मतलब आपको है ना जिस भी क्लास का चीज़ रह गया उसमें आपको एक मतलब करने को देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे उनको इंग्लिश की स्पेलिंग टेस्ट दिया। ही डेडिकेटेड 10 वर्ड्स, मतलब वो 10 वर्ड का था। 1 वर्ड वॉज कैटल, मतलब कि वो 10 वर्ड शब्दों का था, उसमें से पहला वर्ड क्या था, कैटल। मोहन डिड नॉट नो द स्पेलिंग, मोहन को है ना स्पेलिंग नहीं पता थी कि वो स्पेलिंग क्या होती है, तो उनको आ नहीं रहा था कि स्पेलिंग मतलब क्या है क्या नहीं। तो उनको है ना स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड, उनको उस शब्द की स्पेलिंग नहीं पता थी। ही स्लिप्ड द वर्ड रॉन्गली, उन्होंने मतलब स्लेट पे लिखा तो सही बट रॉन्ग था वो, अब उनको पता नहीं है तो ऑब्वियसली रॉन्ग ही होगा। द टीचर सा द रॉन्ग स्पेलिंग इन मोहन स्लेट, मतलब मोहन की स्लेट पे जो गलत स्पेलिंग मोहन ने लिखा था उसको उनकी टीचर ने देख लिया, ठीक है। वो तो उनको तो देखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर गलत होगा तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी कि मतलब बच्चों को पढ़ाया नहीं है, ये सब चीज़ें होती है ना, इसके लिए उन्होंने देख लिया। तो उन्होंने फिर क्या किया, ही मेड अ साइन टू मोहन कॉपी द वर्ड ऑफ द नाइबर्स, मतलब उन्होंने फिर एक सिग्नेचर एक साइन किया, एक मतलब इशारा किया कि मतलब नाइबर्स के लिए इशारा किया। तो अभी देखते हैं, बट मोहन डिड मोहन अंडरस्टैंड द साइन, क्या मोहन ने उस साइन को पहचाना, मतलब उस इशारे को पहचाना। यस ही डिड, मतलब हाँ उन्होंने पहचान तो लिया, बट डिड ही कॉपी द वर्ड, क्या उन्होंने उस वर्ड को कॉपी किया। नो ही डिड नॉट, मतलब उन्होंने डिडेंट नॉट, मतलब उन्होंने कॉपी नहीं किया उस वर्ड को, मतलब उनको वो उनको जो इशारा किया गया उन्होंने समझा बट उसको कॉपी नहीं किया उन्होंने, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द इंस्पेक्टर लेफ्ट, मतलब थोड़ी देर के बाद तो इंस्पेक्टर वो चले गए। द टीचर वॉज एंग्री, मतलब टीचर बहुत गुस्सा हुई, जो जो टीचर थी वो बहुत गुस्सा हुई। द टीचर सेड टू मोहन, आई मेड अ साइन टू यू बट यू डिडेंट नॉट अंडरस्टैंड, मतलब टीचर ने उस मोहन को बोला कि मैंने तुम्हें एक सिग्नेचर साइन किया था, एक इशारा किया था बट तुम्हें फिर भी समझ नहीं आता, मतलब उनको डांट लगाई उन्होंने कि तुम्हें मैंने इशारा किया फिर भी तुमने समझा नहीं। द अदर स्टूडेंट्स लाफ्ड एट हिम बट मोहन वॉज नॉट टू सॉरी, मतलब बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो मोहन के ऊपर बहुत हंस रहे थे क्योंकि उनको मज़ा आ रहा था कि मोहन को डांट पड़ रही है, बट यहाँ पे मोहन को कुछ भी बुरा नहीं लगा और उन्होंने सॉरी नहीं बोला, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगा कि उन्हें सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने सही किया था, उन्हें नहीं आया, उन्होंने कॉपी नहीं किया, बट उन्होंने सॉरी भी नहीं बोला क्योंकि उनको ऐसा लगा ही नहीं कि उन्होंने गलती की। ऑब्वियसली उन्होंने गलती नहीं की, बिकॉज अगर चीट करते तो फिर बाद में उनको प्रॉब्लम होती, तो ऑब्वियसली उन्होंने गलती नहीं की, बट ऐसा टीचर ने उनको बोला कि मतलब तुमने वो नहीं किया। मोहन वॉज हॉनेस्ट, मोहन एक हॉनेस्ट बंदा था, मतलब सॉरी मोहन एक अच्छे इंसान थे इसलिए उन्हें ऑनेस्टली थे, एकदम ऑनेस्टी उनके अंदर थी, तो इसलिए उन्होंने कॉपी नहीं किया कि मतलब चीट चाहते तो वो चीट कर लेते और महान बन जाते, पर उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। इसलिए हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, भले हम एक बार फेल होंगे पर हमें अगर हम ट्राई करेंगे तो हम एक दिन एक ना एक दिन तो हम अच्छे से वो उसको पढ़ पाएंगे समझ पाएंगे, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ही डिड नॉट चीट हिमसेल्फ फॉर द अदर्स, हिमसेल्फ फॉर द अदर्स, मतलब वो ना अपने साथ चीटिंग करना चाहते थे ना और लोगों के साथ, क्योंकि चीटिंग करेंगे तो बाद में फिर अभी चीटिंग कर लेंगे बाद में तो प्रॉब्लम होनी ही है ना, कब तक आप चीट करेंगे, हर टाइम तो आपको चीट कर नहीं सकते हैं। चलो आप एग्ज़ाम में चीट कर लें बट आपका कभी इंटरव्यू हुआ आप उसमें चीट कैसे करेंगे, तो वही हुआ। परहैप्स ही दिस मेड हिम एट महात्मा, मतलब यही चीज़ उन्हें महात्मा बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मोहन को कैसे या आप मतलब यहाँ पे टीचर ने इशारे किया फिर भी उन्होंने चीट नहीं किया कॉपी नहीं किया, सो यही सारी चीज़ें उन्हें महात्मा बनाती हैं, ठीक है। तो आपका जो था ये पूरा एक्टिविटी 2 कंप्लीट हुआ, सो हम अब यहाँ पे इसको पूरा करते हैं। एक्टिविटी 3 हम कल पढ़ेंगे। डिस्कस एंड शेयर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद योर टीचर एंड
क्लासमेट्स, आपको ये क्वेश्चन के आंसर देना है आपको टीचर्स को और आपके क्लासमेट्स को, तो ये हम कल पढ़ेंगे क्योंकि आज आपके लिए इतना काफ़ी है। तो आप ये स्टोरी पढ़ना और आप भी ऐसे बनने की कोशिश करना, नेवर चीट योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, योर क्लासमेट्स, टू एनी वन, मतलब किसी को भी आप चीट ना करना। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।